जुड़ चुके सीधे कुमार का मैं रुख करूंगी। कुमार, क्या अपडेट मिल रही है? सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है? देखिए दीपा, अभी प्रधानमंत्री आवास में जो सीसीएस की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, चौधरी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अजीत जी, देखिए लगातार जिसकी उम्मीद पूरे देश को थी वही हुआ, पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से, अब दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग। देखिए बहुत हमारी एयरफोर्स बहुत बधाई की पात्र है और हमने पाकिस्तान को उनके टेरर कैंप्स पे अटैक करके एक बहुत अच्छा जवाब दिया है और हम जानते हैं कि इसको हमने कंसिस्टेंटली करना होगा। जब भी पाकिस्तान कोई हमारे यहाँ कार्रवाई करेगा हमको इसी तरह सख्त जवाब उनको देना चाहिए, तभी उनकी समझ में आएगा। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली हमको तीनों मोर्चे पे कंसिस्टेंटली उनके खिलाफ एक्शन लेना है। अभी ये सिर्फ शुरुआत है क्योंकि पाकिस्तान को लगातार कई दफा भी पहले आगाह किया गया लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, उसके बाद अब ये सिर्फ एक ट्रेलर है, मूवी बाकी है अभी। देखिए मैंने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंटली उनका जवाब देना पड़ेगा। उनको ये समझ में आना होगा कि अगर ये ऐसा करेंगे तो उनको नुकसान होगा, अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रहा था। और देखिए पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है, वो अफगानिस्तान में भी यही कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी यही कर रहे हैं, ईरान के साथ भी यही कर रहे हैं, तो इसलिए हमको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के द्वारा उनको दबाव में लेना होगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और पूरा देश हमारी फौजों के साथ है और सरकार के साथ। लेकिन अजीत जी देखिए, सबसे बड़ा एक्शन वायुसेना की तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन ये कहा जा रहा है कि कारगिल युद्ध के बाद भी नहीं लिया गया, सबसे बड़ा एक्शन। बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया, बहुत बहादुरी का कदम उठाया। मैं फिर कहना चाहूंगा कि सारा देश उनको अप्लॉड कर रहा है। ठीक, ओके, ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराया गया, पाकिस्तान में जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह किया गया। लगातार अब नजर सरकार पर, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन खबर ये